नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। कुशीनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अपर मुख्य सचिव ने रोजगार सेवक संघ के प्रभारी पर सेवा समाप्ति एवं एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता के उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अपर मुख्य सचिव पंचायती राज व अपर ग्राम विकास सचिव व राजस्व सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र जारी कर आरोपी को सेवा मुक्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद रामकोला विकास खंड के अमंडरिया ग्राम सभा सचिव धर्मेंद्र यादव ने रामकोला थाना में अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह के पत्रों का हवाला देते हुए तहरीर दी, जिस पर मुकदमे किए जाने की बात सामने आई। वहीं इस पूरे प्रकरण में ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश प्रभारी ने अपने ऊपर आरोपी को खारिज करते हुए मुख्य सचिव पंचायती राज के ऊपर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 21 सितंबर को कुशीनगर जिला अधिकारी को पत्र प्रेरित करते हुए ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता, जो कुशीनगर जनपद के रामकोला विकास खंड के अमंडरिया ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक भी हैं, उनके ऊपर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कुछ पोस्ट पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रदेश प्रभारी द्वारा पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा गया कि श्री कमलेश कुमार गुप्ता ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत अमडरिया विकास खंड रामकोला जनपद कुशीनगर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाए और इनके विरुद्ध राज्य सरकार की छवि खराब करने हेतु सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जाए। शासन से आए इस निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने जिले के संबंधी विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया, जिस पर रामकोला विकास खंड के अमडरिया ग्राम सभा सचिव धर्मेंद्र यादव ने रामकोला थाना में अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह के पत्रों का हवाला देते हुए तहरीर दे दी। उक्त मामले पर प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही साथ कमलेश गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन में ग्राम पंचायती विभाग, ग्राम विकास और राजस्व विभाग तीन डिपार्टमेंट का जिम्मा संभाल रहे हैं। प्रदेश सचिव मनोज कुमार सिंह, जो सीएम के टॉप 9 के हिस्सा हैं, जो एक विभाग का सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, वो राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज जैसे तीन प्रमुख विभागों का जिम्मा कैसे संभालेंगे। मनरेगा सेल जो किराए के भवन में चलता है, जिस पर करोड़ों रुपया गलत तरीके से खर्च किया गया एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों की उपेक्षा एवं पूर्व में हुई भर्तियों में अनियमितता की शिकायत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से किया गया, जिसके खार खाए ACH पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित होकर मेरे विरुद्ध सेवा समाप्ति और मुकदमा पंजीकृत करने का जिलाधिकारी पत्र जारी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि हम उनके खिलाफ आवाज न उठा सकें, लेकिन हम सेवा में रहें या न रहें, जेल चले जाएं, पर विभागीय भ्रष्टाचार पर अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। उत्तर प्रदेश शासन में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग तीन डिपार्टमेंट का के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह जी ने कल DO लेटर जारी करके मेरे विरुद्ध सोशल IT एक्ट और सेवा से समाप्ति करने का हमारे उन्होंने आदेश निर्गत किया है, जिसमें मेरे विरुद्ध रामकोला थाने में मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायत किया था कि ACS महोदय एक निजी भवन में जो किराए पर मनरेगा सेल चलता है, उसमें करोड़ों रुपया व्यय किए हुए हैं, वो तीन डिपार्टमेंट का काम देखते हैं। मामला प्रदेश प्रभारी के गृह जनपद कुशीनगर जिले से जुड़ा होने के कारण ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष रामाशीष प्रसाद ने भी प्रदेश प्रभारी का पक्ष लेते हुए कहा कि ACH मनोज कुमार सिंह द्वारा फंसाने का कुचक्र रचा जा रहा है, जबकि वो खुद ही आकर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हमारा पूरा संगठन प्रदेश प्रभारी कमलेश गुप्ता के साथ है। जब तक उनकी सेवा बहाली और उन पर किए मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, प्रदेश भर में संगठन का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जरूरत होने पर लखनऊ भी जाएंगे। क्या मामला रहा है और किस तरह की कार्रवाई होगी? उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता जी को ACS महोदय श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको गंभीर धाराओं में पंजीकृत कराया जा रहा है, उनके विरुद्ध हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग पूरे जनपद में समस्त विकास खंडों में धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन भेज रहे हैं। उक्त मामले पर रामकोला
थाना अध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने बताया कि तहरीर मिली हुई है जिस पर अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, पर जल्द ही FIR दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।